नागपुर शहर में 15 दिन के नवजात शिशु की बिक्री करने की बड़ी घटना सामने आई है। पहले तो मजबूरी में एक विधवा का सहारा बनी आरोपी महिलाएं, फिर कर दी उसके बच्चे की बिक्री और जन्म देने वाली माता को खबर तक नहीं। राज्य की उपराजधानी नागपुर में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और उसे नियंत्रित करने शासन प्रशासन संबंधित विभाग तत्परता से कार्रवाई कर रही है ताकि इस पर नियंत्रण पाया जा सके। उसी तरह हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें एक नवजात शिशु की 5 लाख रुपए में बिक्री करने की घटना प्रकाश में आई। दरअसल 17 फरवरी को कोराडी पुलिस स्टेशन में बाल तस्करी का एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें आरोपी महिला रेखा पुजारी और मुन्नीबाई लिल्लारे शामिल थे। इस मामले की जांच संबंधित विभाग द्वारा जारी थी कि एक और घटना सामने आई जिसमें पता चला कुछ दिनों पहले बालाघाट से एक गर्भवती विधवा महिला नागपुर आई जो मजदूरी कर जीवन यापन कर रही थी। जिस जगह वो विधवा महिला काम करती थी तब उसे मिली मुन्नाबाई, उसने उस वक्त महिला से बातचीत की और उसे रहने के लिए जगह दिलवाई। रेखा पुजारी के घर निर्मल कॉलोनी जरीपटका नागपुर में इतना ही नहीं बल्कि उस महिला के डिलीवरी का सारा खर्चा भी रेखा ने ही करने का ठाना। जब डिलीवरी का समय आया तो उस महिला को रेखा ने मेयो अस्पताल में भर्ती करवाया और उस महिला ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। बस वही रेखा की आंखें चार हो गई और रेखा मुन्नीबाई ने मिलकर जल्द से जल्द किसी पैसे वाले ग्राहक को ढूंढ कर 15 दिन में ही दूसरे राज्य में मारवाड़ी दंपति को 5 लाख में यह नवजात शिशु दे दिया। जब विधवा महिला ने अपने बच्चे के बारे में पूछा तो इन अपराधी महिलाओं ने उसे यह कहकर जान से मारने की धमकी दी कि हमने बच्चा बेच दिया है और तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। जब मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच नागपुर की सहायक पुलिस निरीक्षक रेखा संगपाल को मिली तो उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर इस मामले में गहनता से जांच की और बाल तस्करी करने वाली इन महिलाओं का पर्दाफाश किया है और इन दोनों ही अपराधी महिलाओं को हिरासत में लेकर जरीपटका थाना अंतर्गत 370 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच नागपुर की टीम ने अब तक 17 बाल तस्करी के मामलों को सामने लाया है और इसमें शामिल 57 अपराधियों को सलाखों के पीछे किया है। क्राइम ब्रांच नागपुर द्वारा की गई इस कार्रवाई की नागरिकों की ओर से खूब सराहना की जा रही है। ऍक्च्युली कोरडे पोलीस स्टेशनचा 17 फेब्रुवारी 2023 गुन्हा आमच्याकडे तपासाला आहे एस टूकडे। तर या तपासादरम्यान आमच्याकडे अटक आरोपी जे आहे ही प्रामुख्याने बाळ विक्रीच्या प्रकरणातले सर्व आरोपी आहेत आणि यांच्याकडे आम्ही यांच्या CDR आणि याच्यावरून आम्ही अधिक तपास केला असता आम्हाला आणखी एक बाळ विक्री केल्याचं प्रकरण समोर आलं। त्याच्यावरून त्याचं घटनास्थळ बुटीवरी नागपूर ग्रामीण येथून मिळून आल्यामुळे आम्ही ती पोलीस स्टेशन गिटीखाजाने ते 0 क्रमांकाने तो गुन्हा दाखल केला आणि त्यातलं बाळ देखील आम्ही रायपूर छत्तीसगड येथून हस्तगत केलं आहे आणि त्यानंतर तो गुन्हा आणि ते पीडित बाळ आम्ही नागपूर ग्रामीण या ठिकाणी वर्ग केलेला आहे माननीय वरिष्ठांच्या आदेशाने। आणि ह्याच गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आम्हाला आणखी एक प्रकरण उघडकीला आलं की याच्यामध्ये रेखा पुजारी जी अटक आरोपी आहे कोराडी केसमध्ये 1 नंबर आरोपी, तर हिच्यासोबत तिची सहकारी जी आहे मुन्नीबाई उर्फ छुन्नीबाई लिल्लारे, तर ह्या महिलेने पोलीस कोठडी दरम्यान आम्हाला सांगितलं की त्यांनी आणखी एक बाळाचं प्रकरण असंच विक्री केलं आहे त्याच्यामध्ये तिला 50,000 रुपये मिळाले होते रेखा पुजारीकडून। तर रेखा पुजारीने याच्याबद्दल आम्हाला सखोल माहिती काही दिली नाही परंतु तिचं त्या दरम्यान तिला MCR आम्ही मान्य न्यायालयात पाठवलं होतं। मग मुन्नीबाईंनी दिलेल्या माहितीवरून आम्ही त्या दरम्यानच्या गुन्ह्याच्या घटना कालावधीच्या दरम्यानचे CDR प्राप्त केले आणि त्या CDR मग आम्हाला असं मिळून आलं की या दरम्यान अशाशी जी विक्टीम महिला आहे तर ती नागपूरमध्ये सध्या राहत आहे। मग तिचा मोबाईल प्राप्त करून त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो। आम्ही स्वतः तिच्या घरी जाऊन चौकशी केली असता तिने सांगितलं की तिचं बाळ असं म्हणजे बालाघाटची ती मूळची राहणारी आहे आणि तेव्हा ती प्रेग्नंट होती 9 महिन्याची आणि ही महिला विधवा आहे मेन म्हणजे, तर ही नागपूरमध्ये तिच्या नंदीकडे राहत आहे सध्या। तिच्या नंदीकडे राहायला आल्यानंतर जी कन्स्ट्रक्शनच्या कामासाठी जात होती त्या ठिकाणी मुन्नीबाईला भेटली ही अटक आरोपी क्रमांक 5 जी कोराडी केसमध्ये आहे। तर ह्या महिलेने मुन्नीबाईने कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान BCN न्यूज नागपूर।